तो अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हैं कीमू एंड काला चाप शॉप के ऊपर, जो है घंटा घर में खान भाई एंड हर्बल के ऑपोजिट। अली के रिकमेंडेशन पाए हैं तो अली, तो यार इसको भी हम जाके ट्राई करते हैं और फिर इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा था। चले फिर ट्राई करके मिलते हैं। तो भाई इसका सिटिंग एरिया में चलते हैं, और इसका सिटिंग एरिया शॉप के साथ एक गली है, उस गली के अंदर जाके ना तो थोड़ा सा बिल्कुल आगे जाके ऊपर चढ़ गया है और सिटिंग एरिया काफ़ी साफ है, तो चलिए बैठते हैं। भाई हमने फाइनली अपना ऑर्डर दे दिया है, दो चापों का, एक पीस का और एक मटन कबाब का। अब हम देखते हैं क्या टेस्ट है क्या नहीं है, उसका रिव्यू देते हैं, देखते हैं इसका क्लेम कितना सच्चा है कितना नहीं है। सबसे बेस्ट है, पता चल जाएगा बेस्ट है या नहीं। तो भाई फाइनली हमारा मटन कबाब, टांग और सारी चीज़ आ चुकी है, और ये मटन का दूसरा सीख कबाब है, ये भी सीख कबाब, सीख कबाब मटन अच्छा। और ये उनकी आम की चटनी स्पेशल, और ये की सलाद है, थोड़ा तीखा है लेकिन मजेगा, मुझे अभी तो अच्छा लग रहा है। तो चलो हम उसको खाते हैं और आपको उसका रिव्यू देते हैं खाने के बाद, इन बिटवीन हम खाते। तो भाई हमने अपनी मटन चाप वगैरह कंप्लीट कर लिया है, एक मुझे इतनी अच्छी लगी तो मैंने एक और ऑर्डर किया। तो हमारा तीन चाप का और एक लेग पीस का और एक सीख कबाब का बिल बना है 1600, जो कि मुझे तो बिल्कुल सही लगा, चुका मटन के चाप ले रहा हूँ कि चिकन खा रहा हूँ, और जो साथ में आपको गर्मा गर्म रोटियों के शशके प्लस द चटनी, क्योंकि चटनी इतनी मजे की क्या जो रोटी लगाई और फ्लेवरफुल है यार, और इतनी लाइट है वो, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश है, मैं वो फ्रेश मतलब फ्रेशनेस का ना वो हाथ है कि मतलब ऐसे नहीं कि बासी चटनी फील हो जाएगी, फ्रेश सिंपल रोटी के साथ भी इसको मेरा खा सकते हैं। और मतलब मेरे लिए अगर प्रोवाइड पता है क्या, मटन की चाप चटनी, हाँ लेकिन अगर आप एम्बियंस की बात करें और बाकी चीज़ों की बात करें तो बोले इस अच्छी चाप आपको मिल जाएगी, आपको पेशावर में मिलेगी, मुल्तान में मेरे हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट है, ये सबसे पुराने
अकॉर्डिंग टू अली राउंड अबाउट ये 70 इयर्स इनका जो है ना एक्सपीरियंस है, 70 साल पुरानी ये जो है ना वो है दुकान है, इनका बड़ा अच्छा टेस्ट है। फिर इसकी मटन चाप की बात करें तो यार इसमें बड़ा ही जूसी किस्म का हमें टेस्ट आता है, बड़ा टेंडर्ड भी मिलता है क्योंकि उसको पहले उसको तलते हैं, फ्राई करते हैं, फिर इसको ये ग्रिल करके देखें, इसमें बड़ा जूसी कैसा था मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ओवरऑल रेटिंग देखें ना एम्बियंस को, जगह को, और आपको जो ख्वाहिश उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो नहीं, तो आपके कहने का मतलब ये कि वर्थ इट है, मतलब ये ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत सेट रहा और हाईली रिकमेंडेड। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह कल अली के साथ ही नाश्ते में। बाय खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।